है एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो गाइस, आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं, जो आप अपने वेडिंग गेस्ट में बिल्कुल से यूज़ कर सकते हो और आपके क्लाइंट्स को, आपके गेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो मैंने टिप्स को कर दिया है कंप्लीट, और उसी के साथ मैंने इस तरीके से हमारी फिंगर डिज़ाइन को कंप्लीट कर दिया है हमारे स्पाइरल के फिलर एलिमेंट के साथ। और यहाँ पर मैं सारी फिंगर्स में सेम डिज़ाइन क्रिएट करने वाली हूँ, बिकॉज जब ऐसा होता है कि हम वेडिंग गेस्ट के लिए मेहंदी डिज़ाइन लगा रहे होते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हमें लगानी पड़ती है। सो मेक श्योर करना चाहिए आपने कि आप ऐसे डिज़ाइन लगाए जो आप जल्द से जल्द लगा सकें और आपके क्लाइंट्स को मेहंदी की डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद भी आए। सो इसीलिए मैं इस तरीके से यहाँ पे सारी फिंगर डिज़ाइन को क्रिएट कर रही हूँ, ताकि हमारी डिज़ाइन थोड़ी सी जल्दी से क्रिएट हो जाए। और यहाँ पर अब मैं इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ हमारा डांसिंग लीव्स का बंच। ज्यूसी लीव्स और डांसिंग लीव्स में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि कौन सा लीव्स ज्यूसी लीव्स है, कौन सा लीव डांसिंग लीव्स है। तो बेसिकली जब आप इस तरीके से बोल्ड लीव्स की विंस को जब क्रिएट करते हो, तो वो हो जाता है आपका ज्यूसी लीव्स। जब आप ज्यूसी लीव्स को बहुत ज़्यादा नंबर्स में क्रिएट करते हो बेसिकली एक बंच की तरह, तो वो एक बंच होता है हमारा डांसिंग लीव्स। सो आई होप कि आप लोगों को इसके बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। सो बेसिकली अब हम यहाँ पे इस तरीके से डांसिंग लीव्स को क्रिएट कर रहे हैं। एज यू कैन सी कि हमारा डांसिंग लीव्स का बंच कितनी अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। हमने इसे ट्राइंगल शेप में क्रिएट किया है, बिकॉज हम इसे एक मीनारे का यहाँ पर शेप देने वाले हैं। सो इसी के साथ मैंने इस तरीके से हल्की सी एक बॉर्डर लाइन को लीव्स के साथ कर दिया है कम्प्लीट, और अब हम यहाँ पर इस तरीके से एक मीनारे के शेप को क्रिएट कर रहे हैं। इस तरीके की मीनारे के शेप में हम सिंपल वाले हमारे स्पाइरल्स को फिल करके कंप्लीट करेंगे। अगर आप चाहो तो आप हम्स वाले स्पाइरल्स को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हमने हमारी फिंगर्स की सारे डिज़ाइन में हम्स स्पाइरल को क्रिएट किया है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसी तरीके से एलिमेंट्स को आप फिल करें, ताकि आपकी डिज़ाइन डिफरेंट दिखाई दे। एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से हमारे डिज़ाइन को कर दिया है बोल्ड। अब मीनारे के शेप को बोल्ड करने के बाद हम इसे एक थिन लाइन कंप्लीट करेंगे, और थिन लाइन के साथ एज इट इज़ हम कंप्लीट करेंगे हमारे हम्स। अब हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं बहुत ही सिंपल हमारे क्यूट से फ्लावर्स, जो हम लीव्स के साथ अटैच करके और लीव्स के साथ उसे कंप्लीट करेंगे। हम इस तरीके से पूरी एजिस पे एक नेगेटिव स्पेस का मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। इस तरीके की डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है, और कलर आने पर आपकी डिज़ाइन आपकी पाम पर, आपकी हथेली पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देती है। और क्लाइंट्स तो हमेशा ऐसे डिज़ाइन की डिमांड करते हैं कि जो कलर आने पर सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, आप इसे कंसीडर कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इस तरीके से पूरे डिज़ाइन को यहाँ पे सेम एलिमेंट के साथ किया कंप्लीट, और अब हम नेगेटिव स्पेस की तरह इसे कंप्लीट करेंगे। सो हम इस तरीके से कर देंगे हमारी बॉर्डर लाइन को भी कंप्लीट। अब हमने हमारी नेगेटिव स्पेस की डिज़ाइन को फिल करके कंप्लीट कर दिया है, और आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। नाउ अब हम यहाँ पे चेक्स को क्रिएट करेंगे। अब मैंने आपको हमेशा ये चीज़ सिखाई है कि जब आपकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा भरी भरी हो जाए, तो आप कुछ ऐसे चेक्सेस की डिज़ाइन को आप क्रिएट करें जो आपकी डिज़ाइन को बहुत अच्छे से डिवाइड कर सके और हाईलाइट कर सके। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोई भी ऐसे चेक्स यूज़ नहीं करेंगे जो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, बहुत ज़्यादा हैवी हो। आपको यहाँ पे इस तरीके से बहुत ही सिंपल चेक्सेस को ही क्रिएट करना है। क्या आप देख सकते हो कि मैंने इस तरीके से स्क्वायर्स को क्रिएट किया है। अब आप चाहो तो आप इस चेक्स को ऐसे भी छोड़ सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। आप इसमें स्क्वायर को ड्रॉ करके उसे फिल कर भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सेंटर में सिंपली ऐसे डॉट्स क्रिएट करूँगी, और सिंपली डॉट्स के साथ भी हमारी ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। अगर आपको भी डिज़ाइन पसंद आई है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मैं आपके साथ और भी इस तरीके से डिज़ाइन शेयर कर सकूँ, और भी डिटेल्स जो मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ।
सो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने सेंटर में भी इस तरीके से छोटे वाले डॉट्स को क्रिएट किया है और लास्ट में हमने ऊपर की तरफ बॉर्डर लाइंस के साथ कंप्लीट किए हमारे डिज़ाइन को। सो अब हमारी डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और जल्द से जल्द लग जाने वाली ये डिज़ाइन है। सो अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, वेडिंग सीजन में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेगा ताकि वो भी मुझसे कुछ सीख सके और सो अपनी डिज़ाइन के साथ अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस कर सके। थैंक यू सो मच।